हाँ पूछो क्वेश्चन। सर जो क्वेश्चन आता है वाटर हीटिंग सिस्टम वाला, जिसमें टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकालना होता है सर, उसमें सीएसए को लिया जाएगा या फिर टीएसए को? कौन सा वाटर जो फ्लो करने वाला होता है क्वेश्चन ना? नहीं सर, एक नहीं होता है वाटर हीटिंग सिस्टम, होता है सिलिंड्रिकल पाइप, जिसमें हम लोग को टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम निकालना होता है। हाँ तो उस केस में देख लो, रेडिएटिंग सर्फेसेस पूरा ही हो जाएगा ना। उसी चीज में तो रेडिएट डाउट है सर, बहुत बार ऊपर से रॉड या कुछ कनेक्टेड रहता है ना। तो अगर रॉड कनेक्टेड है तो रेडिएटिंग रेडिएटिंग सर्फेस में जो जो इंक्लूड होगा तुमको उन सबका निकालना पड़ जाएगा। अब वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, रेडिएटिंग सर्फेसेस क्या क्या है वो मेंशन किया होना चाहिए तुम्हारे बुकलेट में। अगर नहीं मेंशन है तो सिलेंडर का टीएसए निकालेगी, अगर ये चीज मेंशन नहीं है तो रेडिएटिंग सर्फेस में तुम्हारा, अब जैसे कोई एक व्हीसल है तो तुम कुछ, अगर रेडिएटिंग सर्फेस तुम जो बोल रही है तो पूरे का पूरा व्हीसल उसमें इंक्लूड होगा या कुछ पार्ट बच जाएगा बताओ। अरे वही तो पूछ रहे हैं सर। तो तुम सोच के बताओ, कुछ पार्ट बचेगा कभी क्या? कोई बताओ जी, कुछ भी पार्ट बचेगा या पूरा का पूरा उसमें इंक्लूड हो जाएगा? क्वेश्चन समझा या नहीं समझा सोचे बाकी? तो पूरा वो हो जाएगा, मतलब कुछ बचेगा पूरा नहीं। कुछ बचेगा नहीं, ठीक है? पूरा मिले ना सर हमेशा लेकिन टीएसए सर एक निकाल। क्वेश्चन में मेरा आंसर सीएसए से आया था। अब यार क्वेश्चन देखना पड़ेगा किस क्वेश्चन के लिए क्या है नहीं है, देना क्वेश्चन जरा। ठीक है, उसमें स्पेसिफाई किया हुआ था। किया है ना स्पेसिफाई, तब फिर तुम हाँ टीएसए हाँ क्यों निकाल ली? सर, हम क्वेश्चन डिक्टेट करें। करो। इन अ वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंडर पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। टीएसए निकालना। अगर कभी भी कुछ यस सर। मेंशन नहीं किया है तो हमेशा टीएसए निकालेंगे, सीएसए कभी भी नहीं। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, टीएसए निकालो सीएसए निकालो, तो हम लोग प्रायोरिटी हमेशा टीएसए का ही देते हैं। कहीं भी क्वेश्चन में दे दिया कि इसका सरफेस एरिया निकालो तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना, ठीक है? और कुछ पूछना है पूछो। सर एक चीज पूछना था सर, अगर मेंशन नहीं किया हुआ हो तो सर, यदि टैंक बोलेगा तो क्या ऊपर से खुला हुआ वाला करेंगे कि क्लोज्ड वाला करेंगे? टैंक बोलेगा, टैंक यार देखो, अब टैंक भी कभी कभी वो टैंक ओपन भी रहता है, कोई कोई टैंक क्लोज भी रहता है ना, हाँ, ये तो दिक्कत है। कोई मेंशन करना चाहिए। अब टैंक बेसिकली ओपन बहुत कम में, ओपन ज्यादातर मिलता है, लेकिन कहीं कहीं टैंक ऐसा आता है जो क्लोज भी रहता है। तो अब ये तो फिर हम भी क्या इसमें हम एग्जैक्टली बता पाए, लेकिन हम मैक्सिमम जगह देखे हैं कि टैंक के केस में टोटल सरफेस एरिया ही निकलता होगा। क्वेश्चन बनाइए इसका टैंक वाला, हाँ तो क्या हाँ दिखा? हाँ टीएसए ही दिखा होगा। सर, हम दो क्वेश्चन बनाए थे सर, एक में तो बोल दिया था क्लोज्ड टैंक तो वो तो हो गया था, और एक में खाली टैंक ही मेंशन किया था, और उसमें हम जो ओपन करके किए थे ना ऊपर वाला, वो वाला सही आंसर था। अच्छा हाँ तो फिर ठीक है, क्वेश्चन में अगर मेंशन है क्लोज टैंक तो टीएसए निकालना, टैंक में सीएसए ही निकाल लेना फिर, और क्या, टैंक के केस में सीएसए ही फाइंड आउट करना, ठीक है? और नीचे वाला कहाँ गया? क्या वाला? सीएसए आप बोले सर सीएसए फाइंड कर। प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम सर्कुलर सरफेस टैंक के केस में, ये फाइंड आउट कर लेना। और कुछ पूछना है तो पूछो। हॉलो सिलेंडर देख करके आए हो सब कोई, क्या होता यस है नहीं सर। होता? सर सर हम तो सुनिए ना बना लिए सर, हैं। पिछले साल मेंसुरेशन के हर टेस्ट में सर एक क्वेश्चन आप देते थे जो मेरे से कभी नहीं बनता था। अ मेटल सिलेंडर, मतलब डिक्टेट करें, करो। अ मेटल सिलेंडर विथ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस 70 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेक अ नंबर ऑफ स्मॉल डिस्क विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर।
how many such disks could have been made from the cylinder? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बताए थे लास्ट ईयर क्या होता है? नहीं सर पता नहीं, नहीं कैसे एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो केस नहीं बताया था? बिना वो बताए हम इक्वेशन डाल ही नहीं सकते, बोले थे वॉल्यूम सेम होता है। जैसे सर ये क्वेश्चन दो टेस्ट में आया था, दोनों में से एक भी बारी नहीं बना था। अच्छा ठीक है करवा देंगे क्वेश्चन, और कुछ ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे अभी सिलेंडर पहले तो। अभी जब हम क्लास 10 का शुरू करेंगे ना पढ़ाना, तो क्लास 10 में तुमको सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड आउट करना ये सब क्वेश्चन नहीं देता है। क्लास 10 में तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पढ़ना है, और एक फ्रस्टम ऐड होता है। क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा 10 में जाओगे, क्यों एक नंबर वाले में पूछ देता है, लेकिन जो दो नंबर तीन नंबर और चार नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा यही क्वेश्चन पूछेगा कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो कितने नंबर ऑफ सॉलिड निकालो, यही सब चीज पढ़ना है 10 में। तो एक बार स्फीयर और हेमिस्फीयर हम डिस्कस कर लेंगे और कोन डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद हम क्लास 10 का शुरू कर देंगे पढ़ाना। ठीक है सेम चीज है, क्लास 10 भी उतना टफ नहीं है इस चैप्टर को, आसान सा है। ठीक है और कुछ? सर एक चीज और बोलना था बोलो। सर, हमको ये बोलना था ना कि सर अब शायद हम जो शाम में क्लास होगा वो नहीं अटेंड कर पाएंगे सर, ये अगले एक दो वीक के लिए, मतलब जो 6:30 वाला क्लास होता है वो क्यों नहीं अटेंड कर पाएंगे? सर, क्योंकि उसी टाइम में ना साइंस का एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है, मतलब जिसमें हाई स्टैंडर्ड का क्या तो बोल रहे हैं पढ़ाएंगे तुम लोग को, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, इसीलिए तो इधर भी तो हाई स्टैंडर्ड ही हो रहा है सर एक तुम्हारी दिन ऊपर सर है। कर लेते हैं, कुछ खास नहीं दिखा तो फिर छोड़ देंगे। देख ले तुम्हारे ऊपर है, इधर कौन सा लो स्टैंडर्ड तुम्हारा पढ़ाई होगा? शाम वाला जो भी क्लास है वो तो ले, जो शाम वाला क्लास होगा वो फिक्स है 11th का चलेगा, 6:45 वाला वो अटेंड हो जाएगा। ये 5:10 से 6:30 वाला जो होता है ना अच्छा, 5:10 वो नहीं वाला अटेंड तो कर पाएंगे। 5:10 में सिर्फ क्लास मेरा ही लगेगा और किन्हीं का नहीं लगना है, देख लेना 5:10 वाला। हम इसके बाद क्या शुरू करेंगे बता देंगे कभी, ये चैप्टर खत्म होगा तो। चलो ठीक है कोई नहीं, पढ़ाना आप शुरू करने दो पढ़ाई, हॉलो सिलेंडर देखते हैं। हॉलो सिलेंडर इसके बारे में सबको पता है क्या होता है नहीं होता है? यस सर। चलो ठीक है, इस केस में होता क्या है बेसिकली, एक सिलेंडर रहेगा और तुम क्या करोगे, इससे कम डायमेंशन का एक दूसरा सिलेंडर इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ये कर दो अंदर रख दो, इसमें थिकनेस रहता है कुछ तुम्हारे इसमें। ठीक है पढ़ के आया है सब कोई, बल जल्दी बताओ अगर नहीं yes, पढ़ा है। sir. अबे सब कोई में दो लोग ही बोल रहा है, बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है। yes, sir. क्या आया है स्वयं बोला, रिद्धिमा प्रवीण बताओ जी। हाँ सर आइडिया है। आइडिया है प्रवीण, प्रवीण यस सर। देखा या ऐसे ही आ गया क्लास में, पता ही नहीं होगा तुमको क्या चल रहा है। नहीं सर यूट्यूब में देखे थे। अच्छा चलो देखो, तो एक चीज ध्यान में रखना है इसमें, इसको ऐसे समझना हॉलो सिलेंडर को कि इसमें तुम्हें दो सिलेंडर होते हैं, एक बड़ा सा सिलेंडर और उसके अंदर तुमने छोटा वाला सिलेंडर इन करा। ठीक है दोनों सिलेंडर का क्या हाइट सेम होगा या डिफर करेगा? दोनों सिलेंडर का हाइट है, हाइट सेम रहेगा, सेम रहता है, रेडियाई डिफरेंट होती है। ठीक है रेडियाई डिफर करेगा, बाहर वाले का जैसे ये कैपिटल आर है, अंदर वाले का कुछ स्मॉल आर हो जाता है रेडियस। ठीक है अब इसमें तुमको दो तीन तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, एक तो अगर तुमको अगर सीएसए पूछ दिया, सीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर, सीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो तुमको क्या करना है कोई बताओ, पढ़ के आए हो तो
सर बाहर वाले का। बाहर वाले का, अंदर वाले का नहीं सर। अंदर वाला तो वॉल्यूम में आएगा ना। ना कर्व्ड सरफेस एरिया का जैसे ही बात हुआ तो तुमको बाहर और अंदर दोनों का सरफेस एरिया 2πh ब्रैकेट में बड़ा r प्लस होता है। वो तो ठीक है, वहां तक पहुंचेंगे। पहले मैं ये पूछ रहा था कर्व्ड सरफेस ऑफ होलो सिलेंडर में तुमको दोनों सरफेस एरिया निकालना होगा, जो बाहर का है एक्सटर्नल सरफेस एरिया है प्लस इंटरनल सरफेस एरिया है, दोनों का सरफेस एरिया निकाल करके क्या करना है, ऐड करना होता है। तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, इसके लिए फॉर्मूला, एक्सटर्नल के लिए तुम्हारा उसको कैपिटल आर ले लो एक्सटर्नल का रेडियस तो 2πRh और इंटरनल वाले का 2πRh। तो ये क्या फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, 2πH कॉमन ले लेना R प्लस R। फॉर्मूला याद करने का नीड नहीं है, फॉर्मूला याद करने में अपना दिमाग मत खराब करना कभी भी, ठीक है। सी एस ए ये हो जाता है। टोटल सरफेस के केस में बताओ सर, सी एस ए प्लस 2 इंटू जो बीच वाला जो एरिया होता है, बीच वाला जो एरिया होता है, चलो ठीक है, एरिया ऑफ बेस रिंग, ठीक है देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या क्या निकल के आएगा, एक तो तुम्हारा सी एस ए ऑफ एक्सटर्नल जाएगा, जो एक्सटर्नल सरफेस है उसका सी एस ए निकलेगा, ठीक है। देखो एक इमेज मैं दिखा देता हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, कौन सा इमेज अच्छा लग रहा है, चलो लाइट ब्लू वाला, लाइट ब्लू वाला ये नहीं सर, बीच में आया था कहीं। अच्छा देखो, ये भी नहीं था सर, पर छोड़िए काम चल जाएगा, रहन दे रहन दे। देखो इस केस में क्या, ये बगल वाला जिस पे भी कर्सर था, ठीक है। समझ रहे हो इसमें, देखो हॉलो सिलेंडर के केस में तुमको करना क्या क्या है, अगर तुमसे टीएसए पूछता है तो जो बाहर का और जो अंदर का है पहले तो उनका सीएसए निकाल लेना, दोनों का सीएसए निकाल लेना। अब रहा टॉप सरफेस का बात, तो देखो उससे अच्छा ये वाला, इस वाले इमेज से ज्यादा क्लियर होगा तुम्हारा। इस वाले फिगर से ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कभी भी पूछेगा तो तुमको तो पहले सीएसए निकालना है दोनों सरफेस का जो अभी जस्ट निकाले हो, उसके बाद क्या करते हो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तुम एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऐड करते हो। तो देखो इसमें जो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट में बीच वाला ये पोर्शन जो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सरफेसेस रहेगा क्या, सोच के बताओ। मतलब कुछ सरफेस का मतलब वहां पे कुछ भी रहेगा या पूरा का पूरा खाली रहेगा, सोचो जल्दी बताओ जी। अगर हम हॉलो सिलेंडर के पास खाली रहेगा तो जो सरफेस है वो सिर्फ इतना का इतना ही सरफेस है, इसके अलावा कुछ भी सरफेस है क्या ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम में ये जो दिख रहा है इसके अलावा कुछ भी सरफेस अवेलेबल है या नहीं है, नहीं रहेगा ना। तो अब तुमको करना क्या है टोटल सरफेस एरिया के केस में, टोटल सरफेस में क्या करोगे तुम, दोनों सरफेस एरिया तो ऐड करेगा, दोनों सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो ऐड करोगे, उसके अलावा सीएसए ऑफ बोथ सिलेंडर लिख लेते हैं हम सिंपली, यहाँ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटर
नल एंड एक्सटर्नल बोथ, और इसमें आगे जो दिख रहा था वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर था कि नहीं था? आगे में जो था वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर था ना, ठीक है? अब तुमको ये रिंग का एरिया पता होना चाहिए, क्या होता है, क्या होता है जिसका एरिया बताया था? बोलो सर, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर, ठीक है? तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अभी कहां से आया निकल के वो देख लो। ये पता था सबको तो बोला करो पता है सर, जैसे एक सर्कुलर सरफेस ये है, रिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? और उसके अंदर एक और आता है सर्कुलर सर्कल टाइप का, ठीक है? अब तुमको बेसिकली क्या करना है, ये एरिया निकालना है, रिंग यही इंक्लूड होता है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, जो तुम्हारा बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये जो सॉलिड, ये जो मैं सेट कर रहा हूँ उसका एरिया निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? जो बड़ा वाला सर्कल है और जो अंदर जो सर्कल है उसका एरिया को आपस में माइनस कर दोगे तो निकल आएगा या नहीं निकलेगा? तो यहीं से तुम्हारा एक रिंग का एरिया निकल के आता है जो कि होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कभी भी टोटल सरफेस एरिया तुमसे पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा हॉलो सिलेंडर का, तो सीएसए ऑफ बोथ सिलिंड्रिकल सरफेस दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लस प्लस क्या लिखोगे, एक का हुआ इतना, तो दोनों ऊपर भी सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर रिंग है और नीचे भी सर्कुलर रिंग है, तो इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो प्लस क्या हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब यहां से टोटल सरफेस क्या निकल के आ जाएगा, तो जो सी एस ए था वो इतना आया था, तो सी एस ए टू पाई आर, टू पाई एच आर प्लस टू पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, याद रहेगा या भूल जाओगे बताओ? किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, फिर क्या हो गया जी इसको, एक मिनट रुको। वॉल्यूम के बारे में पता है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस पे या इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस पे? इंटरनल वाला, इंटरनल, इंटरनल वाले पे डिपेंड करेगा, ठीक है? वॉल्यूम तुम्हारा इंटरनल वाले पे डिपेंड करता है। तो ये सब फॉर्मूला लिख लो फटाफट, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा टू पाई, और इसमें एड कर लेना टू पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर ज्यादा इसको डिटेल्स में ले जाना है तो कैसे कर सकते हो, इसको देखो, पी एस ए जो होता है टू पाई एच आर प्लस, इसको तुम आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर तो लिख ही सकते हो, और यहाँ से क्या कॉमन आउट हो जाएगा, टू पाई इंटू आर प्लस आर कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या क्या बच जाएगा, एच प्लस H प्लस आर माइनस, ठीक है? ये ब्रैकेट हटा देना तो काम हो जाएगा, यहाँ से टी एस ए निकल के आ जाता है। अब जो इसका वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है अंदर वाले बेस एरिया पे, जो अंदर में छोटा, कैसे सर, तुम कुछ भी तुमको उसमें रखना है तो कहाँ पे रख पाओगे, जो हॉलो पार्ट है उसको, हॉलो पार्ट है, हॉलो पोर्शन जो है उसको पीछे से ब्लॉक करोगे, समझ रहा है? अब तुमको उसमें लिक्विड डालना है तो उसी बेस एरिया और हाइट पे ना वो लिक्विड कंटेन होगा या कहीं और फैल जाएगा, बताओ? उसी में होगा। हाँ, उसी में। हम वॉल्यूम मतलब वो कितना कंटेन करेगा उस चीज का बात कर रहे हैं, वॉल्यूम। अच्छा सर, मुझे लगा कि वो जो लग रहा हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम सॉलिड लगा, तुम उस चीज में कंफ्यूज हो क्या? Yes, sir, मुझे लगा वो जितना required है उसे बनाने में। नहीं नहीं, हम required वाला नहीं बोल रहे हैं, उसमें हम बोलना चाह रहे हैं कि उसमें अगर तुम कुछ लिक्विड डाल रहे हो या कुछ भी रखना चाह रहे हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा,
उस केस में तो वॉल्यूम सिंपली निकल के आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. लेकिन अगर तुमसे पूछ दिया वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक एन होलो सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, तो क्या फॉर्मूला होगा बताओ सर? पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट. ठीक है, कभी भी क्वेश्चन तुमको ऐसा मिलेगा कि एक हॉलो सिलेंडर बना रहे हैं उसका रेडियस वगैरह मेंशन किया हो रहेगा, बोलेगा उसमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड हुआ, उस केस में एरिया क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. तो ये दोनों वॉल्यूम में कंफ्यूज नहीं होना. ये जो पहला वाला वॉल्यूम है तुमसे जैसे आएगा ना कि वो कितना लिक्विड कंटेन करेगा उस केस में, वो सब क्वेश्चन पूछेगा, तो उस केस में तुम पहले वाले को यूज करना. और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड कभी भी बोला तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेना. कहीं पूछना है तो पूछो डेरिवेशन, कोई भी फॉर्मूला में किसी को डाउट है तो पूछो. अभी तक जितने भी फॉर्मूला डिस्कस हुआ, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, अच्छी बात है. फिर तो क्वेश्चन देना शुरू करें. चलो आसान से लेकर के हार्ड क्वेश्चन तक चलेंगे. ज्यादा अच्छा, कहीं भी अगर थिकनेस तुम्हारे क्वेश्चन में पहले से प्रेजेंट है कि एक आयरन पाइप है उसका कुछ थिकनेस है, तो उसको तुम कौन से सिलेंडर की तरह यूज करोगे? हॉलो सिलेंडर की तरह ट्रीट करोगे? हॉलो सिलेंडर. तो क्वेश्चन ये चीज ध्यान में रखना, कहीं कहीं क्वेश्चन में तुमको नहीं लिखा होगा कि एक हॉलो सिलेंडर है, बट उसमें मेंशन कर देगा कि एक सिलेंडर है जिसका थिकनेस कुछ है. तो सर, हाँ बोलो सर. कभी भी कहीं कोई ऐसा पाइप होता है जो कि दोनों साइड से ब्लॉक्ड रहता है? दोनों साइड से ब्लॉक रहेगा तो तुम इसमें क्या कर लेगा बताओ? जैसे लेकिन सर वाटर रेडिएटिंग सिस्टम में क्यों पाइप वर्ड यूज किया गया? अब पता नहीं यार, देखना पड़ेगा उसको. उसमें तो सर केवल कर सरफेस एरिया का काम होना चाहिए ना, दोनों साइड से. तो एक साइड से वाटर आएगा और एक साइड से वाटर जाएगा. वाटर अब मे भी हो सकता है कि वो एक सिस्टम है पहले से ही प्रेजेंट, उसमें वाटर तुम ऊपर से डाल रहे हो, ये भी तो पॉसिबल है. बताओ, बोलो. सर थोड़ा गूगल पे दिखा ही दी. अबे मुझे क्या पता, वो फिजिक्स केमिस्ट्री का चीजें देखते रहना. मतलब हम जो बोल रहे सुन समझने आपको, एक तो वो जो तुम बोला सिचुएशन वो हो सकता है, एक दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि एक पहले से कंटेनर है, ठीक है, और उसमें तुमने वाटर वगैरह डाला, ये करा, तो उसको तुम वाटर रेडिएटिंग सरफेस या वाटर रेडिएटिंग वेसल बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? ये वाला क्वेश्चन सर किस क्लास में आता है? 9 तक अभी तक नहीं लिखे एनसीईआरटी में. बताओ जी हिमांगी, कहां से ये क्वेश्चन मिला? सर एक्सरसाइज 15 बी आर एस अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर क्या था सर, देख के बताते हैं. क्लास 9 और क्या 9 छोड़ दो, वो ढूंढ लेगा, उसको ये क्वेश्चन ही नहीं मिला है अभी तक हमारे से. अगर लास्ट तक कभी नहीं छुए हैं. अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 लो, पूरा दे दी तुमको सिचुएशंस, खोज के बना लेना. चलो क्वेश्चन बनाते हैं अब, ठीक है, फटाफट बनाएंगे, ज्यादा इस पे हम टाइम खराब नहीं करेंगे, तुम लोग फटाफट ये सब बना ही लोगे. एनसीईआरटी बना रहे हो ना साथ ही साथ, बताओ तो जरा, 9 वाला एनसीईआरटी बना रहे हो? सर पहले आरएस अग्रवाल बना रहे फिर एनसीईआरटी. पहले आरएस सर एग्जांपलर बना रहे हैं. एनसीईआरटी एग्जांपलर बुक? यस सर. ओके चलो ठीक है, जहां से बनाओ बनाते रहो, लेकिन कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं लिखो. एक तो ऐसा क्वेश्चन भी तुमको मिलेगा कि रेक्टेंगुलर सीट दिया रहेगा, उसका लेंथ और विड्थ गिवन रहेगा. ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, जैसे एक रेक्टेंगुलर सीट है, हम बेसिक सा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब कोई बना लेना. इसका लेंथ दे रखा है, इसका डायमेंशन दे रखा है 44 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, 44 इंटू 18 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन में दो चीज मेंशन रहेगा, जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन में मेंशन रहेगा इज रोल्ड अलॉन्ग लेंथ,
लेंथ या विड्थ, तो इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा लेंथ के अलोंग रोल हो रहा है या विड्थ के अलोंग रोल हो रहा है. इट इज रोटेटेड अबाउट लेंथ और विड्थ, जो भी हो. तो इस केस में तुमको कंफ्यूजन नहीं होना है. अगर लेंथ के अलोंग, जैसे यही रेक्टेंगुलर प्लेन रहता, ठीक है, हम इसी रेक्टेंगुलर शीट की बात कर रहे हैं जिसका डायमेंशन तुमको पहले से मेंशन किया हुआ है 44 × 18. क्लियर? तो अगर इसको तुम लेंथ के अलोंग रोल्ड करते, अगर लेंथ के अलोंग रोल्ड करोगे तो इसका हाइट कितना होगा जो सिलेंडर निकलेगा, बताओ. अगर लेंथ के अलोंग रोल्ड करोगे तो हाइट कितना? ब्रेथ है. ब्रेथ 18 सेंटीमीटर. 18 के बराबर. और विड्थ के अलोंग रोल करोगे तब हाइट कितना हो जाएगा? 40 लेंथ के इक्वल 4 सेंटीमीटर. तो अब ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आया और तुक्का मारना शुरू कर दिए. ये वर्ड ध्यान से पढ़ लेना, लेंथ के अलोंग कर रहा है या विड्थ के अलोंग कर रहा है, ठीक है. तो अब इस पे कुछ भी पूछ देगा, अब इसमें तुमको जैसे बोल देगा सीएसए निकालो, तो सीएसए तो सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? सर आप क्या कुछ बोल रहे थे किसके अलोंग क्या? अरे मैं ये बोल रहा था कि क्वेश्चन तुमको ऐसा लिखा रहेगा कि एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, उसका डायमेंशन दे देगा 44, जैसे इसमें डायमेंशन दे दिया. अब इस रेक्टेंगुलर सीट को मैंने रोल्ड किया अलोंग लेंथ, तो जो सिलेंडर बनेगा उसका हाइट क्या होगा? क्या होगा जी? विड्थ के बराबर होगा ना? 18 होगा सर. हाँ 18 हो जाएगा. और अगर हम विड्थ के अलोंग रोल्ड करते हैं तब हाइट कितना बनता? 44. बस हम यही चीज पूछ रहे थे और बता भी रहे थे, ठीक है. तो ये चीज ध्यान में रखना है तुमको, क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना है. और अब जैसे तुमको इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में सीएसए पूछ देगा, तुम लोग निकाल लोगे फटाफट. सीएसए क्या करोगे? ये जो 44 × 18 आएगा, सिंपली वही लिख देना, वही तुम्हारा कट सरफेस एरिया बन जाएगा इस सिलेंडर का. लेकिन अगर जैसे ही टीएसए पूछ दिया, सर क्वेश्चन में तो टीएसए पूछा था ना. हम अभी क्वेश्चन लिखे कहाँ है पूरा? नहीं सर मेरे को याद था उसको मारो गोली अभी. हम टीएसए सीएसए कुछ नहीं पूछना चाह रहे, हम पूछना चाह रहे जो सिलेंडर है उसका रेडियस क्या होगा, बताओ. सर आंसर 1100 है टीएसए. नहीं, तुम सिलेंडर का रेडियस बताओ ना, छोड़ो टीएसए. 7 होगा. क्यों 7 होगा? 7 किस केस में होगा? जब रोल्ड अलोंग लेंथ हो. रोल्ड अलोंग लेंथ होगा क्योंकि हम बताए थे अभी डेरिवेशन में 2πr और h ऐसा कुछ, ठीक है. तो इसका जो लेंथ है, क्योंकि अभी ये रोल्ड अलोंग लेंथ है, तो जो सिलेंडर का रेडियस है वो कैसे निकालोगे? तो ये जो सर्कमफ्रेंस होता है, ये पता है ना 2πr क्यों होता है सबको? अब देखें यहाँ पे, अभी सब बोले थे थोड़ी देर पहले बताने की, बताओ ये किस डेरिवेशन में कितनी दिक्कत है. प्रवीण तुम ही बताओ जी. सर हम कुछ बोले सर? जा प्रवीण. यस सर. ये 2πr कहाँ से आ गया सर? ये फोल्ड होगा तो सर्कल बन जाएगा. चलो ठीक है, ठीक है ना. तो इसलिए जो इसका लेंथ होगा वो 2πr यानी सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा. और लेंथ इसका कितना था? 44. यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, और रेडियस निकल जाएगा तो जो सिलेंडर है उसका टीएसए तुम निकाल सकते हो. तो ये सब चीज ध्यान में रखोगे ऐसे क्वेश्चन में. तुमको लेंथ और विड्थ क्वेश्चन ध्यान से बस पढ़ना है. लेंथ के अलोंग फोल्ड कर रहे हैं, रोल्ड कर रहे हैं, या विड्थ के अलोंग रोल्ड कर रहे हैं. हाँ जी पूछो हिमांगी, क्या क्वेश्चन था? सर हम पूछ रहे थे कि आप अभी जो क्वेश्चन पूछे थे उसका यही डेरिवेशन था ना, कि एक सर्कल था उसको छोटे छोटे पाइज में बांट दिया गया, फिर उसको जब मतलब अरेंज किया गया एक हॉरिजॉन्टल वे में तो वो एक रेक्टेंगल फॉर्म किया था. वही से हुआ ना सर डेरिवेशन? सर आप सर्कल बनाइए, सर्कल. हाँ ठीक है. इसको सर छोटे छोटे पाइज में मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए, जैसे सर छोटा छोटा सेगमेंट नहीं सेक्टर्स बनाइए. हाँ इससे. अच्छा देख तो बहुत आगे. और सर फिर जब ये सबको जब सर
वही वो जो इसका डेरिवेशन होता है ना सर्कमफ्रेंस और ये सब का, वो कहीं ऐसे निकल के आता है, सीखना होगा तुमको सर, बताएंगे डिफरेंशिएशन वगैरह। बताए या नहीं बताया अभी तक? अभी नहीं बताए होंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। चलो तो ये क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो बनाओ तो जरा। लिख रहे हैं यहाँ पे तुमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बनाया होगा तुम लोग, एनसीईआरटी का है, सिलिंड्रिकल टैंक का, सिलिंड्रिकल टैंक है उसका, ठीक है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं। डायमीटर है इसका 4.2 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में ये मेंशन किया है इसके बाद, हाउ मच, जो एनसीईआरटी बनाया उसको ये मिला होगा, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। सर 95.04 मीटर स्क्वायर है क्या आंसर? बना रखी है ना पहले से, आंसर भी रट जाती है। मेरे पास कॉपी है। अच्छा, हमको लगा आंसर रट गई है। Stayed in a closed tank. और किसी को, किसी ने बनाया ये स्वयं? नो सर, अभी बना लिया। बना लिया अभी, चलो बढ़िया। लक्ष्य बना रखा था ये क्वेश्चन? Yes. नहीं बनाया था, बना लिया तो ठीक है। चलो बनाओ जी बाकी लोग फटाफट। कॉफी पी ले हम तब तक। सर एक बार आंसर रिपीट कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। 95.04 मीटर स्क्वायर, obviously question mark। हाँ ठीक है सर। नहीं बनेगा तो बताएगा, अगर बन जाएगा तो फिर बढ़िया। बनिया सबसे या डिस्कस करना है? दो ही लोग आंसर नहीं दिया है, प्रवीण और रिद्धिमान, बताओ बनेगा या डिस्कस कर दें? सर ये तो बन जाएगा। बन जाएगा ठीक है। रिद्धिमान बोलती नहीं है, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखना ये तो पूरा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो मेटल सिलेंडर मीटर सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स ऑफ एक्सटर्नल रेडियस
सर थिकनेस निकालना है ना, बताएंगे हम क्या निकालना है, क्वेश्चन लिखेंगे उसमें लिखा रहेगा। तब बना के बैठ गया पहले से एंड सिर्फ इसमें एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है, ठीक है, हाँ थिकनेस निकालना है एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज 338 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। टेकिंग स्मॉल आर टू बी इनर रेडियस, obtain an equation in small r and use it to obtain the thickness of the metal, in cylinder। बनाओ, कितना लोग बना रखा है पहले से बताओ। सर बना रखे है, आंसर 3 मीटर है। यस सर। 3 मीटर? हाँ। सोच के जवाब दो सर, यूनिट याद नहीं रहता है सर, मैग्नीट्यूड 3 था। ठीक है, तुम लोग मैथ के क्लास को हिस्ट्री और जीके का क्लास बना के रख दिया है। सर जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसका याद हो जाता है। बनाओ बनाओ बनाओ, स्वयं देगा इसका आंसर, देगा स्वयं, बना रहा सर स्वयं, बनाओ बनाओ। यस सर। ओके ओके, बना लेने दो इन दोनों को, बाकियों को तुम लोग जाके कुरकुरे खाओ तब तक। ये भी कोई खाने का चीज है तो क्या खाती है फिर? लेज है, चिप्स है। अच्छा, लेज एंड चिप्स। बन गया स्वयं। सर मेरा कुछ अजीब ही आ रहा है, रुकिए सर एक और बार ट्राई। ऐसे करेगा जी, लक्ष्य लक्ष्य कुमार बताइए, विलुप्त हो गए। प्रवीण। यस सर। बनेगा भाई या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा? ऐसे कैसे नहीं बनेगा, कैसे बनाओगे, सोच पाए हो या नहीं सोच पाए हो? नो सर। अब यही नहीं सोच पाएगा तो कैसे बनेगा, जाओ सोच के आना पहले, फिर सोचो कैसे थिकनेस निकलेगा इसका आखिरकार। ठीक है, ट्राई करो, नहीं बनता है तो छोटा वाला सर्कल का टीएसए माइनस बड़ा वाला बाहर वाला सर्कल का टीएसए सिलेंडर का एक्सटर्नल। पता नहीं, बता ही देंगे तो फिर क्या करोगे, देख के आना। ठीक है, बना के आओ, और क्वेश्चन करा दे इस पे या हो जाएगा। अच्छा ये चीज पता है ना,
ये जो रोलर होता है वो तुमको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा कि रोलर का कुछ डायमेंशन दे देगा, रोलर तो पहले सिलेंडर का काम करेगा, उसका डायमेंशन दे देगा, बोलेगा कुछ रेवोल्यूशन वो हुआ, जैसे 500 रेवोल्यूशन वो करा तो उसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड मांगेगा। हाँ तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा तो वो क्या होगा? रुको जी, सरकमफेरेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उसमें सरकमफेरेंस कहाँ आ गया? कौन बताएगा? यस हां सर, सॉरी एलएसए सॉरी सीएसए, सीएसए इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये चीज ध्यान में रखना, क्वेश्चन ये है कि एक रोलर है, रोलर का डायमीटर दे दिया है, रोलर का डायमीटर जैसे कुछ दे दिया है 1.5 मीटर लॉन्ग, और इसका डायमीटर सॉरी, और इसका हाइट दे देगा, दे रखा है 84 सेंटीमीटर। अब बोल दिया कि ये रोलर जो है 100 एवोल्यूशन किया, कितना 100 एवोल्यूशन, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे कंप्लीट करोगे इसको? तो जो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड होता है वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये चीज याद रखना, ये तुम्हारा क्लास 10 में जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ाएंगे उसमें काम देगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू इस केस में सीएसए से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? ठीक है, यस सर, बताओ। चलो ठीक है फिर, किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है? नो सर। हेलो सर, आंसर कितना है? ठीक है, आंसर इसका क्या दे रखा है यार, क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, इसमें बोल रहा है 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर लेवलिंग का कॉस्ट है, तो कितना टोटल कॉस्ट क्या होगा, वो तो निकाल लेना है सब खुद से तुम लोग। चलो ठीक है फिर, ये सब क्वेश्चन कर लेना। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं है, वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। हम होमवर्क नहीं दे रहे इस चीज पे, भरोसा है बना के आओगे तुम, जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन होमवर्क दिया करेंगे, ठीक है? सर एक चीज पूछना था सर, 10 वाला बुक से कौन सा चैप्टर में बनाना है? एरिया रिलेटेड टू प्लेन फिगर, आरएस अग्रवाल में होगा ये चीज, वो छोड़ना है क्या? एनसीईआरटी में नहीं है ये। हाँ वो छोड़ना है, वो नहीं है सिलेबस का। एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। एलिमेंट्री है या फिर बहुत ज्यादा हाई है? नहीं बहुत बेसिक है, अरे प्लेन है, सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब है, ट्रेपेजियम ये सब है, वो नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता है। हाँ पूछ रही थी कुछ अध्याय, पूछो। सर जब आंसर लाना होता है कोई सब्जेक्टिव टेस्ट में, ये मेंसुरेशन में, तो सर जो कन्वेंशन यूनिट है वो सेंटीमीटर होता है या मीटर होता है? अरे यार ये तो हम भी नहीं जवाब दे सकते, ये है तुम्हारा सीबीएसई वाला का, मतलब वो उसके मार्क्स ना काटे। नहीं मार्क्स नहीं काटेगा, मार्क्स नहीं काटेगा, टीचर का कोई भरोसा नहीं है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिख देते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होता है टीचर। क्वेश्चन के यूनिट पे ध्यान देना हमेशा, यूनिट। हाँ लेकिन कोई कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि यूनिट कुछ और है, आंसर कुछ और फॉर्म में, आंसर किसी और में आता है। ये यार तो इस पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्या बोला जाए, लेकिन हमको जहां तक दिखता है ना क्या, हम तो कॉपी चेक किए नहीं है बोर्ड का कभी भी, हम क्या जवाब दें इसमें, देखते हैं बताते हैं हम क्या रहता है, क्या सीन रहता है, लेकिन हमको जहां तक दिखता है सेंटीमीटर में वो कन्वर्ट कर देता है। बट उसमें हाँ आंसर शीट में क्या रहता है, अगर मीटर के टर्म में क्वेश्चन है तो मीटर और उसके नीचे सेंटीमीटर दोनों मेंशन किया हुआ रहता है,
तो तुम जहां तक छोड़ सकते हो वहां तक छोड़ देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, गो फास्टर सेम। कहां जाओगे फास्ट भाग भाग के? सर वो मैं ऐसी दबा दिया था। अच्छा लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वॉल्यूम वगैरह याद निकाल लेना। क्या तुम लोग इसे बना रखा है भाई? डेंसिटी वगैरह पता है ना क्या होता है? जैसे क्वेश्चन है वॉल्यूम से रिलेटेड, अब करवा दे रहे हैं। सर ये इसी क्लास पर है ना ये चैप्टर? क्या सर ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ना? अभी का कौन बाकी है और ये सब बाकी, अब जल्दी जल्दी खत्म होगा, अब दिक्कत नहीं। सर ये बहुत क्वेश्चन है, रुक जाना। अब हम क्या ऐसे यादें छोड़ के हम नहीं ना जा सकते आगे, क्या कर सकते? देखो क्वेश्चन में कि एक हम देख पूरा क्वेश्चन इसलिए तो नहीं लिखवा रहे हैं। एक रोलर है जो आयरन का बना है, 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर वाइड है, इसका डायमीटर है 54 सेंटीमीटर। ध्यान से लिखना क्वेश्चन, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर 54 सेंटीमीटर एंड थिकनेस, एंड थिकनेस है 9 सेंटीमीटर, ठीक है? तुमको वेट ऑफ रोलर निकालना है, इसका वेट निकालना है, जबकि दिया हुआ है 1 cc ऑफ आयरन वेट 8 ग्राम। बनाओ सर ये हॉलो है ना सिर्फ रोलर? हाँ थिकनेस आ गया तो हो गया। सर ये क्वेश्चन तो नहीं बनाए थे लेकिन बन रहा है सर, रुकिए। इसका वॉल्यूम निकाल लेना, क्योंकि 1 cc मतलब कितना हो गया 1 cm³, 1 cm³ में 8 ग्राम है, तो अब इसका जितना वॉल्यूम आएगा वहां से निकाल लेना। सर आंसर ग्राम में देंगे ना? आंसर हाँ ग्राम में भी दे देना, ग्राम में ही देना। ये सब यही सब दिक्कत हो जाता है थोड़ा, आंसर कहीं केजी में रह गया या ग्राम में रह गया तो फिर दिक्कत करेगा। सर मेरा आंसर थोड़ा अजीब सा आ रहा है। बोलो। 14,25,600 ग्राम। हाँ ठीक है ठीक है, तो केजी में बदल लेना, ठीक है? वेट वाला जब कभी भी वेट का क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करना उसको केजी में आंसर करे। सर बन गया। बन गया, कितना आंसर आया? उतना ही? ये सर बहुत लंबा है ये तो। 14,25,000 ऐसा कुछ। 600 14,25,600 ओके ग्राम है ना? ग्राम बन गया सर। हाँ स्वयं बन गया? यस सर। ओके प्रवीण और लक्ष्य बताओ जी। प्रवीण लक्ष्य
नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं तो आगे क्वेश्चन लिखो। एम्बैकमेंट मतलब पता है ना क्या होता है एम्बैकमेंट? सर मत दीजिएगा सर, बहुत लेंदी होता है। चलो ऐसा क्वेश्चन देखे हो ना कि एक वेल डग आउट किया उसका जितना मटेरियल निकला उसको स्प्रेड किया गया है तो उससे इम्बैकमेंट बना, तो उस इम्बैकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा? क्वेश्चन ऐसा देखा है पहले कभी या नहीं देखा है बताओ? यस सर, सर जितना डिस्प्लेस हुआ उतना ही होगा। बनाए हैं स्वयं देखिए जवाब दे रहा है क्या पता नहीं चल रहा है। यस ओके, तो ये क्वेश्चन कराए या छोड़ दे? सर छोड़ दे, छोड़ दीजिए सर। ठीक है, बाकी दोनों तो जवाब ही नहीं दे रहा है, अगर बोलेगा हाँ तो ठीक है। यस सर दे दीजिए, नहीं देना दीजिए, आगे बढ़ते हैं, छोड़ दे। अच्छा ठीक है, तो ये सब चीज याद रखना, हाइट ऑफ इम्बैकमेंट पूछ देगा, हाइट ऑफ इम्बैकमेंट क्या होगा वो सब देख लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लोगे तुम लोग। अब क्या बच गया इसमें, देखते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिलता है तो। रेशियो वाला क्वेश्चन, मैं रेशियो वाला क्वेश्चन एकदम थोड़ी होता है। वाटर फ्लो वाला भी क्वेश्चन करा दिए थे ना, वो बस सिलेंडर ना हो करके क्यूबॉइड रहता था ये ना? Yes, तो ऐसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन करवा दिया, रहने दे, इसमें भी तुमको मिलेगा। ये छोड़ दे, एक सिलेंड्रिकल पाइप रहेगा उसका कोई स्पीड से निकलेगा तो फाइंड इन वाटर लेवल राइज ऐसा कुछ रहता है क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है कर, तो एक क्वेश्चन इसको कर ले, लीटर में निकालना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ अ पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटी 9 लीटर वाला है, ऑफ 5। तू ही आके पढ़ा दे अब ये चैप्टर, अजीब हालत है, आंसर हटके बैठ गई है इन 1 मिनट। ठीक है बेसिक, और जो 9th बैच है उसमें यही चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तुम ही को बुलवाते हैं पढ़ाने के लिए कल से। पढ़ा देगी बताओ? नो सर कैसे, अब तो पढ़ाना पड़ेगा सर, अपना पढ़ाई करेंगे ना पहले। 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कितना लोग बना रखा है आंसर सर? हम ऐसा ही एक्सपेक्टेशन था, स्वयं नालायक प्रतीत हो रहा है जी तुम इन लोगों के सामने। यस सर, अब क्या बताऊं सर, बहुत खराब लग रहा है। देख लो अब लगता है सर अब बनाना शुरू करना पड़ेगा। सर देखिए बात ये है ना, जो इतना लंबा वाला क्वेश्चन होता है ना, इसमें हम ये याद रखते हैं कि निकालना क्या है ताकि क्वेश्चन पढ़ने में समय बर्बाद ना हो, और सर फिर बनाते बनाते आंसर याद हो जाता है। बढ़िया लक्ष्य, और प्रवीण ये लोग को जवाब ही नहीं दे रहे, सो जाता है क्लास जॉइन करके। सर पता है वो टेस्ट में भी सर एक एमसीक्यू था 1 मार्क्स का जिसका आंसर हमको याद था तो हम बना दिए, लेकिन सर मेरे को नहीं पता उसको बनाना था कि नहीं बनाना था, हम सिर्फ आंसर लिखे। एमसीक्यू में आंसर लिखा जाता है, नंबर काटे ना टीचर तो उसका बाल पकड़ के खींच देना पूरा।
सर एक चीज पूछना था आप कुछ सर आप जो क्वेश्चन दिए थे कल वाले टेस्ट में वो परसेंटेज इंक्रीज वाला जो था ऑब्जेक्टिव में तो सर उसको ना हम आपका वीडियो देखे थे तो उसमें आप बोले थे कि क्या तो एक होता है टिक टेस्ट उससे निकाल सकते हैं लेकिन हम ऐसे भी लिख दिए और बना भी दिए क्योंकि टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी काट सकते हैं मार्क्स मेरे केस में मल्टीपल चॉइस में सिर्फ हम आंसर टिक आउट सर 300% होगा ना अच्छा ठीक है लिखो कुछ क्वेश्चन लिखो देखते हैं कुछ और है चलो डबल वाले पे ही आ गए हो तो ये बना जाओ सिलेंडर का रेडियस को तुमने किया डबल आंसर बोल दो हिमांगी और हाइट हो गया हाफ हाइट क्या हुआ हाफ हो गया कर्व सरफेस एरिया का क्या होगा हाफ हो जाएगा सर 150% से इंक्रीज करेगा पता नहीं डबल हो जाएगा सर ये क्वेश्चन नहीं याद आ रहा सेम रहेगा सेम 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 हाँ सेम रहेगा हाँ सर एक टू मल्टीप्लाई हाँ, एक वन बाई टू डिवाइड हो रहा है तो कट जाएगा सर ये तो कितना लोग इसको निकाल रहा था एकदम अच्छे तरीके से कोई तो हाँ बोल जाने ही वाले थे नहीं हम नहीं निकाले थे सर अच्छा कोई हाँ नहीं बोला सर आप हाफ लिखे ना तो मैं समझ गया कि वो ही रहेगा अच्छा 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 चलो इसका बताओ इसका बताओ रेडियस है जो कि 1/3 डिक्रीज हुआ 1/3 डिक्रीज्ड हुआ ठीक है और वॉल्यूम अभी भी सेम है वॉल्यूम जो है रिमेन्स सेम वॉल्यूम रिमेन सेम तो लेंथ के साथ क्या होगा रेडियस है जो 1/3 डिक्रीज किया है वॉल्यूम वैसे का वैसा ही रहा तो लेंथ क्या होगा 3 times 6 times सर यहाँ लेंथ और हाइट सेम चीज है यस 27 टाइम्स सर 9 टाइम्स सॉरी सर 27 टाइम्स सॉरी 27 टाइम्स तब का गलत आया सर तब तुक्का नहीं मार रही क्या सर आपका ट्रिक सर पता है अरे ट्रिक सही में इसका 29 टाइम्स आंसर है करे तुक्का मत मारो इधर रेडियस 1/3 डिक्रीज हुआ सॉरी सर सेम रहा सही बोल रहा था अब देखो ना तुम सही बोल के फिर सर मैं r³ ले लिया सर वॉल्यूम में r³ ले अच्छा देखो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुमको मिलेगा देखो मजेदार क्वेश्चन है ये द नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर कितना सरफेस होता है जी इसमें एक दो रुकिए सर तीन या चार हेलो सर टू सर टू फॉर कुछ भी सर ले आन द नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर सोच क्या होता मारेंगे नहीं तो बहुत मारो सर 4 होगा शायद 4 होता है सर 4 सर पक्का सर 4 होगा सर हेलो बोलो हां बोलो समझ आ रहा है अब आना शुरू हुआ सर इसे पिछले क्वेश्चन में जाइए अच्छा
सर उसमें आप लिखे हैं कि रेडियस 1/3 डिक्रीज हो गया, तो सर वो अपने रेडियस 1/3 हो जाना और 1/3 डिक्रीज हो जाना, इतने में फर्क है ना सर, इधर 2/3 हो जाएगा फिर क्या सर? 1/3 डिक्रीज हो गया, इसका मतलब वो अपना 1/3 पार्ट डिक्रीज करके 2/3 हो गया ना, तो सर आप लिखना चाहिए था 1/3 हो गया अपना, 1/3 डिक्रीज क्वेश्चन में जो था मैंने वो लिखा, द रेडियस ऑफ अ वायर इज डिक्रीज टू 1/3 है, सॉरी पूरा क्वेश्चन ना लिखने का ये नतीजा सर, इसलिए सर हम बना रहे थे सर, आपका 2/3 लिख लिया सर, ये लिखा है ना, तो मतलब वो x माइनस x बाई थ्री हो जाएगा जो 2/3x हो जाएगा, यस सर एग्जैक्टली, ठीक है हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि इतना लिखने में क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें लिखा हुआ है डिक्रीज टू 1/3, हम अच्छे से नहीं पढ़े, एक एक गलती तो भगवान भी माफ करता है, तू लोग तो बच्चा है अभी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी मोजी। इसका करेक्ट आंसर 4 होगा, ठीक है, द नंबर ऑफ सर्फेसिस ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना होता है? 4 होता है। चलो एक एक आखिरी क्वेश्चन बनाओ, इसको अच्छे से लिखेंगे हम, द एल्टीट्यूड ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज 6 times, एल्टीट्यूड जो है सर आपके कन्वीनियंस के लिए एक बात बताते हैं ना सर, आप क्लास से पहले जितना क्वेश्चन कराना है तो आपका फोटो खींच लीजिए और यहाँ चिपका दीजिए। हाँ यार हम बहुत बार सोचते हैं लेकिन क्या हम बोले हंसोगे। हाँ सर अच्छा आइडिया है, टाइम भी बचेगा। अरे मुझे भी पता है टाइम बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, वैसे हम आज एक दो क्वेश्चन लिख भी रहे थे स्टार्टिंग में ही सर, क्या चिपकाने का बात हो रहा है, अगले अगले क्लास में वो मिल जाएगा तुम लोग को, चलो ठीक है। एल्टीट्यूड जो है 6 times इंक्रीज हुआ और बेस का एरिया, बेस एरिया is decreased, base area decreased, सिलेंडर हॉलो है कि मतलब सॉलिड है, decrease to 1/9 of its value शायद, 1/9 of its value, 1/9 of its value। सर आप अभी कौन सा बुक लेके बैठे हुए हैं? बुक नहीं है, पेपर पे क्वेश्चन सारा लिख के रखते हैं। The factor by which the lateral surface of cylinder increases, जो बना रखा है उसके लिए बात है, जो नहीं बनाया है वो बना लेना। सर बना रहे हैं। सर आंसर 2 है। हेलो आ रहा है क्या आवाज? यस सर। हेलो हाँ ठीक है, ये बना लेना, एल्टीट्यूड 6 times इंक्रीज, आंसर कितना है? हाँ तू तेरे को क्वेश्चन याद है आंसर नहीं याद है? नहीं सर इसका आंसर याद नहीं है, 2 दे रखा है। सर आ गया आंसर। हाँ सर तब बन गया सर, आगे आंसर। बढ़िया, चलो बढ़िया फिर तो, ओके देन अगले क्लास में हम वो शुरू कर देंगे, कौन शुरू कर देंगे, ठीक है कौन के बारे में पढ़ के आना सब कोई।
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।